हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे कि CEED इस चीज़ के बारे में कि क्या होती है, किस तरीके से क्या करने होते हैं, कैसे क्या एडमिशन प्रोसेस है, कितने स्कोर कार्ड वैलिड होते हैं तभी एडमिशन ले सकते हैं, तब आप जो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, कितना जो है आपका क्या होना चाहिए, कितना एज लिमिट, कितना क्वालिफिकेशन, क्या नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपको इस वीडियो में जो है सारी चीज़ें आप हरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या करना होंगे आपको, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है सीड के रिलेटेड, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको सर्च करने का दो मेथड है, एक तो है आप जो जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से करने, सेकंड जो है कि आपको क्या करने होंगे सिंपल, जैसे कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए रहेंगे उसे आपको ओपन कर लेने, उस जैसे आप ओपन करते हैं आप डायरेक्टली जिस पेज पे मैं बताऊँगा उस पेज पर आप चले जाएँगे। ठीक है, तो मैं बताऊँगा अभी किस पेज पर आप आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो आप फर्स्ट स्टेप है वो वाला देखिए, और सेकेंड स्टेप आप अगर डायरेक्ट करते हैं तो मैं बताता हूँ कहाँ जाएँगे। तो क्या करने होंगे आपको कि आपको किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन करते हैं और वहाँ पर आपको टाइप करने होते हैं google.com। पहले किसी भी ब्राउज़र से ओपन कर लीजिए, फिर वहाँ पर टाइप कर लीजिए कि CEED 2022 IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको सीड के रिलेटेड सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च करने होंगे, तो सर्च करते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करने होंगे। तो जैसे यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं आप न्यू टैब में ओपन होते हैं जो सीड का ऑफिशियली जो यहाँ पर IAS.net के यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ऑफिशियली ये जो है वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीट के बारे में सारी चीज़ें इस वीडियो में पता चल जाएगी आपको, कि एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट डेट्स होता है, एलिजिबिलिटी होती है, पैटर्न्स होती है, सिलेबस होते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसका हर साल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कंडक्टेड ऑफिशियली ऑथराइज के थ्रू होता है। ठीक है, फिर IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बॉम्बे ऑफ बिहाफ है, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो MHRD है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद, इसका एम क्या है। ठीक है, प्रोवाइड एडमिशन टू एलिजिबल एप्लीकेंट। ठीक है, तो जो भी इसके मतलब एलिजिबल है ना इस चीज़ के लिए एडमिशन लेने के लिए, जो भी हो मतलब तैयार है, सब कुछ हो सकते हैं, तो उनको एडमिशन दिलाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कर लीजिए जो है क्या है कि आपका इसमें नाम क्या है, पहले अपना फुल नेम यहाँ पर टाइप कर लीजिए, फिर आपका जो है ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस क्या है वो तो यहाँ पर टाइप कर लीजिए, फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर टाइप कर लीजिए जो भी होगा, फिर उसके बाद आपको कौन से स्टेट से हैं, फिर कौन सी सिटी है आपकी, फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं कि आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, फिर आपको सेलेक्ट करने होंगे कि आपको जो है कि 10th आपने जो है कंप्लीट कर लिया, फिर 12th कंप्लीट किया, या फिर क्या किया है कंप्लीट, डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन किया, कि मास्टर PG किया, तो जो भी आपने सेलेक्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी होगी उसको सेलेक्ट करने हैं, फिर यहाँ पे आपको क्या करने होंगे, गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करने होंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखते हैं, इसका एम जो है, तो आप जो है इसका एम जो है क्या करना कि ये बच्चे को एडमिशन दिलाना, मतलब एडमिशन मिल जाता है जो भी एलिजिबल रहते हैं इस इंस्टीट्यूट के लिए, तो आपको क्या करना है यहाँ पे सारी चीज़ें कर पाएंगे। फिर उसके बाद इन कोर्स लाइक MDes हुआ, PhD डिग्री हुआ, ऑफर्ड इन द डिफरेंस इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है, ऑफर किए जाते हैं, और सीड इज़ ऑल्सो फुल्ली नॉन एज अ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन। तो इसका फुल नेम क्या है, ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर द डिज़ाइन सीड का। ठीक है, फिर इसका जो है ऑफिशियली ऑथराइज ऑफ द IIT बॉम्बे विल ऑर्गेनाइज ऑफ दिस CEED 2022 विथ अ मोटिव टू एनालाइज, यानी कि जो IIT बॉम्बे ऑर्गेनाइज है सीड का, इसका जो मेन मोटिव है, एक ये भी मोटिव है कि जो भी इसके एबिलिटी है, जो भी इसके काबिल हैं, जो भी इसके जो लायक हैं एप्लीकेंट बच्चे जो भी है, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। ड्राइंग स्किल आपकी क्या है, कितनी अच्छी लॉजिकल या रीजनिंग है, क्रिएटिविटी कितनी अच्छी, कम्युनिकेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास है, तो क्या कर सकते हैं इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका नेशनल लेवल का हर साल जो है एग्ज़ाम होता है, और जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं इसमें, आप जो है जिस फील्ड में भी लेना चाहते हैं, जिस फैशन या फिर डिज़ाइन में, तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो हु वांट टू गेट एडमिशन बेसिस इंफॉर्मेशन अबाउट सीट के बारे में यहाँ पे आपको मालूम होनी चाहिए, जो है कि आपका इंफॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, टेंटेटिव डेट्स होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स होती है, फिर एप्लीकेशन फीस होती है, फिर एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, एडमिट कार्ड होते हैं, एग्ज़ाम पेपर पैटर्न्स होते हैं, सिलेबस
प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट जो है यहाँ पे देख लीजिए कि इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि कैसे आपको देखने हैं ये टेबल्स, मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट कैसे देखने हैं। ये आपको सबसे ईजी वे है जो आप देख सकते हैं, यहाँ से बहुत ईजी है। तो यहाँ पर क्या देखने कि इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है आपके, ठीक है, इवेंट क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ होता है, कभी ख़त्म एंडिंग कभी होता है, कभी जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, कभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका, फिर कभी आंसर की रिलीज़ होने वाला है, फिर कभी आपका क्या होने वाला है, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सब कुछ आपको ऐसा ही मालूम हो जाएगा। स्टार्टिंग डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का सितंबर में होगा, लास्ट डेट जो है मतलब ख़त्म हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म किस डेट पे, अक्टूबर में, फिर ऐसे देखने, फिर रिलीजिंग डेट बहुत ईजी है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कैसे क्या करने होंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड से आपको मिल जाएगा ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू, तो आपको वहां से चेक करने होंगे, उससे ऑनलाइन मोड पे आपको अवेलेबल रहेंगे एप्लीकेशन फॉर्म सीट का जो ऑफिशियली वेबसाइट है, ठीक है। फिर वहां से आपको क्या करने होंगे, ऑनलाइन मोड से ही फिल करने होंगे आपको सारी चीज़ें, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके सारे डिटेल्स आपको उसमें फिल करने होंगे खुद से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के जो फीस लगते हैं वो यहाँ पर देख लीजिए कि सिर्फ वुमेन के लिए, वुमेन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कैटेगरी के लिए 1600 और अप्लीकेंट फीस जो एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 1600, उसके लिए भी सेम, और जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3200। लेट करते हैं आप फीस में तो 500 एक्स्ट्रा लगेंगे आपको लेट चार्जेस, ठीक है। फिर उसके बाद और यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से, और यहाँ पे देखेंगे कि डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल रही है ऑनलाइन मोड से पेमेंट करने के लिए, और यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी है कि आपकी नेशनलिटी क्या, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए तब अप्लाई कर सकते हैं, क्या होनी चाहिए आपके क्वालिफिकेशंस क्या, आप यहाँ पे मिनिमम मार्क्स लाएंगे तब अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे देखेंगे। तो आप इंडियन कैटेगरी, इंडियन कंट्री से हैं, ठीक है, इंडियन नेशनलिटी से हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, 20 ईयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए जिस समय आप एडमिशन ले रहे हैं, फिर इसमें आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो उस समय आपका 20 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उससे पहले नहीं लेना 20 इयर्स, अब जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक आप नहीं कर सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि वही बच्चे अवेलेबल, मतलब एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं जो जिन्होंने कम्प्लीट किया है डिग्री, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम्स, और 3 साल का जो कोर्स होता है उसका, यानी कि 10+2+3 सिस्टम ऑफ द एजुकेशन का जो रहता है। दो एप्लीकेंट हु हैव टू कम्प्लीटेड GD 8 होता है, जो जिन्होंने कम्प्लीटेड कर चुके हैं और डिप्लोमा प्रोग्राम आर आल्सो एलिजिबल टू फॉर द एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी जो है एलिजिबल है। अपेयरिंग एप्लीकेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनल ईयर्स का जो हो रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम मार्क्स आपको जो लाने हैं 50% लाने हैं सिक्योर करने, इतने परसेंट आप ला दिए एग्ज़ाम में मार्क्स, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न्स देखने कि नंबर ऑफ पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ए और बी दो पार्ट यहाँ पे रहेंगे, 2 पार्ट। मोड ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन मोड फॉर दी पार्ट ए, दैट इज़ कंप्यूटर बेस पे, यानी कि एग्ज़ाम मोड जो होगा पार्ट ए का कंप्यूटर बेस पे, यानी कि ऑनलाइन मोड से होगा, और ऑफलाइन मोड से पार्ट बी का होगा रिटन एग्ज़ाम, ठीक है, ऐसा बताया गया है। पार्ट ए का होगा ऑनलाइन मोड से, पार्ट बी का होगा ऑफलाइन मोड से। फिर ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट ए के लिए 60 मिनट आपके पास टाइम है, और पार्ट टू के लिए 120 मिनट्स आपके पास टाइम है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज ही सिर्फ और सिर्फ पूछे जाएंगे ओनली, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 41 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन पार्ट ए में, जो 41 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और 5 क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछे जाएंगे आपको पार्ट बी में। टोटल मार्क्स आपको 200 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, पार्ट जो यहाँ पे देख सकते हैं एक पार्ट पे 100 मार्क्स, यानी कि 2 पार्ट्स पे 200। फिर यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस
न्यूमेरिकल आंसर्स, मल्टीपल सेलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन पार्ट वन जो ए है उसमें, और पार्ट बी में जो है आपको डिपेंड ऑन द टेस्टिंग, जैसे कि डिज़ाइन, ड्राइंग, राइटिंग स्किल्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। इसमें क्या है, स्केचिंग, क्रिएटिविटी हुआ, फॉर्म सेंसिटिव, विजुअल सेंसिटिव, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस, क्वेश्चन 111 20 मार्क्स के लिए। फिर यहाँ पे नेट न्यूमेरिकल जो हुआ, आंसर टाइप्स हुआ, यानी कि मल्टीपल्स सेलेक्ट क्वेश्चंस, यहाँ पे एमसीक्यू जिसको बोलते हैं, और मल्टीपल चॉइस सेलेक्शंस क्वेश्चंस, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई पार्ट ए पार्ट बी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेबस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रिपरेशन ऑफ पार्ट ए। तो ये क्या है, ये सारे टिप्स आपको है, ठीक है। यानी कि ये जो सिलेबस में आपको आने वाले पेपर्स में वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई कि इसके रिलेटेड ये जो टॉपिक्स है आपको इसी के बेस पे आपको सारी स्टडी करनी है, आपको एग्ज़ाम में कैसे मार्क्स लाने। फिर उसके बाद सिलेबस फॉर दी पार्ट बी के लिए यहाँ पे बताएगा ड्राइंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। इतने सारे आपको बता दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में आएंगे पार्ट बी के लिए है, ओके। फिर प्रिपरेशन टिप्स है, जो अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप डेली करना पड़ेगा, और आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने तो आप इस टिप्स को फॉलो करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक टाइम टेबल बनाना और उस टाइम टेबल को डेली फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो द टाइम टेबल, कलेक्ट गुड मटेरियल्स और सॉल्व पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्व मॉक टेस्ट, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, नोट डाउन फार्मूलाज, आपको हार्ड हार्ड फार्मूलाज जो है नोट डाउन करने, फिर उसको प्रिपेयर और रिविज़न करना है, प्रैक्टिस करनी, वॉच मोर वीडियो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूट्यूब पे वगैरह क्रोम पे कहीं भी आप देख सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये सब करना पड़ेगा, और रिविज़न करना है वीकली वीकली और डेली स्टडी करना है। ये सारे जो मैंने टिप्स बताए, इस सारे टिप्स को फॉलो करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स आए। और यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड जो है, ये आपको सीट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल रहता है, वहाँ से आप मतलब अवेलेबल नहीं मतलब जिस टाइम पे रहता है उस टाइम पे आपको रिलीज़ कर दिया जाता है, वहीं से आप उस समय आप चेक कर पाएंगे कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। अब आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। क्यों डाउनलोड करना है, आपको एग्जामिनेशन में जो आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो इसके लिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सीट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको जाना है, ऑनलाइन मोड से आपको जो है डाउनलोड करने, डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकालने, प्रिंटआउट निकाल के उसको आपको लेके जाने आपके एग्जामिनेशन हॉल में, तब आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, उसके बिना एग्ज़ाम नहीं दे सकते। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि आंसर की रिलीज़ होती है, रिलीज़ होती है कहाँ, रिलीज़ होती जो सीट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप आंसर की जो है चेक कर सकते हैं उस, और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। फिर रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद डिक्लेयर हो जाती है, तो जो भी इसका इन्फॉर्मेशन चाहता है ऑनलाइन मोड से ही आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिलता है ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू, सीट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू आपको रिज़ल्ट देखने मिल जाता है, वहाँ से आप रिज़ल्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं, और मेरिट लिस्ट यहाँ पे उसके बाद रिलीज़ हो जाती है, जो उसमें देख सकते हैं सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट बाय ऑफिशियली ऑथराइज्ड के थ्रू होते हैं, बेसिक्स ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स सिक्योर करते हैं उसके बेस पे रिलेटेड, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका और भी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं सीट का, तो मेरिट लिस्ट सेक्शन वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे मिलेंगी ही। फिर काउंसलिंग भी आपको वहीं पे रिलीज़ होता है, चेक कर सकते हैं वहीं पे सेंट्रलाइजेशन काउंसलिंग प्रोसेस क्या होते हैं, सारे प्रोसेस होते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, आप सारे गेट इंफॉर्मेशंस, सारी इंफॉर्मेशंस इस बारे में जान पाएंगे। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर दी वेरीफिकेशन के लिए क्या है, आपका 10th का 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, डोमेसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और स्कोर कार्ड विंटर्स एग्ज़ाम का, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ऐसे सारी चीज़ें करनी है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है, ठीक है, जो भी कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे वीडियो फ्यूचर में भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।